हेलो स्टूडेंट्स तो कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार सही होगा तो चलते हैं आज लॉजिक का नया टॉपिक हम लेके आ गए हैं आपके लिए काफी इंपोर्टेंट काफी बच्चे लगातार कमेंट भी कर रहे थे और मेरी प्यारी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है खासकर उसके प्रेजेंटेशन के लिए ये मैं क्लास बना रहा हूँ आपको ये क्लास डेमो के फॉर्म में कुछ दिनों बाद यूट्यूब पे देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन पर्टिकुलर ये क्लास उस वीडियो का है पहले का उसका है कि वो अच्छे तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को तैयार करें और अच्छे तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दें ठीक तो चलते हैं देखते हैं कि क्या माइग्रेशन इन फीसेस के बारे में क्या है कि जो माइग्रेशन होता है जो प्रवासी होते हैं प्रवासी या प्रवासन होता है मछलियों में वो क्यों होता है कैसे होता है इनके बारे में बात करेंगे ये एम और बी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है एनिमल बिहेवियर से क्वेश्चन आते रहता है तो चले लेस आगे चलते हैं देखते हैं कि क्या कहता है हमारा यही आज का माइग्रेशन फेजिस के बारे में काफ़ी पावरफुल क्लास है मैंने पहले बता दिया है आपको ये क्लास कहीं से भी मिलेगा दोबारा ठीक लिंक कहीं से मिले या काफ़ी कुछ मिले तो आप इस क्लास को अपना प्यार देना ना भूलिएगा मैं सिर्फ प्रहलाद मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रहा हूँ वेनार एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को आपके साथ पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं जुलॉजी और बॉटनी तो चलते हैं देखते हैं क्या कहता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहां से ही हमारा एंड्रॉयड अप्लीकेशन है और हमारे बाकी प्लेटफॉर्म की दुनिया है आप इनसे रूबरू होकर बाकी स्टडी कर सकते हैं हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट करेक्टर्स की हम बिना लेट के हुए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर यहाँ पर हम टॉपिक में देखेंगे क्या कह रहा था कि माइग्रेशन इन्वॉल्व द मोमेंट ऑफ एनिमल्स एंड लार्ज स्केल यानी लार्जर स्केल एंड ड्यूरेशन फॉर ये पर्टिकुलर रीजन का मतलब है कि जो हमारे पास प्रवासन, होता है, क्या होता है? प्रवासन में देखा जाता है कि बड़े पैमाने पर देखा जाता है कि प्रवासन के अंदर यानी जब हमारे पास माइग्रेशन होता है तो उसके अंदर देखा जाता है कि जो एनिमल्स होते हैं क्या होते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो काफी लंबे अवधि तक किसके बोल रहे ना एनिमल्स द लार्जर काफी ज्यादा एनिमल वो भी कैसे काफी लंबे समय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफर करते हैं आपने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ढेर सारे ऐसे ह्यूमन को देखा होगा जो अपने थोड़ी सी झोपड़ी बनाते हैं ठीक जिसको रोहिंग्या बांग्लादेशियों के आपने बात किया होगा कि बांग्लादेश से कुछ लोग आके हमारे इंडिया में रह रहे हैं ठीक तो वो क्या है प्रवासी मजदूर हैं उनको बांग्लादेश में उतना फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाया था ताकि अपने जीविका को कंप्लीटली वो बढ़ा सके और आगे पर्टिकुलर वो चला सके इसलिए उन्होंने क्या किया वहां से यहाँ आना उचित समझा और अच्छे तरीके से वो यहाँ पे आते गए और अपने कह सकते हो जीवन यापन को ठीक तरीके से करने लगे तो कई रीज़न होते हैं माइग्रेशन के मैं बता दूं कि आपको बोल रहा है कि माइग्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं बड़े लेवल पे इनके अंदर मूवमेंट्स होता है एक जगह से दूसरे स्थान तक जाते हैं इनकी लार्ज स्केल भी होता है हो सकता है टाइमिंग कभी शॉर्ट शार्ट माइग्रेशन होता है कभी कभी लॉन्ग माइग्रेशन होता है खासकर माइग्रेशन क्लाइमेक्स के ऊपर वातावरण के ऊपर होता है कि हमारा जलवायु कैसा है कुछ लोगों को जलवायु पसंद नहीं होता तो इंडिया छोड़ के अमेरिका चले जाते हैं कुछ लोगों को जलवायु पसंद नहीं है तो इंडिया को छोड़ के कनाडा पहुंच गए तो इन्होंने इंडिया से माइग्रेट करके कनाडा गए हैं तो उनको माइग्रेटेड ह्यूमन बोलोगे या माइग्रेटेड इंडियन पीपुल बोलोगे ताकि वो इंडिया को छोड़कर दूसरे देशों में जाके बस रहे हैं और कभी कभी कुछ लोग न्यूट्रेशन की वजह छोड़ते हैं जैसे खासकर मछलियों की बात करें इसके बारे में हम पढ़ेंगे मछलियों को एक जगह से दूसरी जगह तक न्यूट्रेशन नहीं मिल पाता तो अपने प्लेस को छोड़ के पानी के सारे दूसरे प्लेस में चले जाते हैं तो वो भी माइग्रेटेड हो गए कभी कभी को कुछ लोग होते हैं कि रिप्रोडक्टिव रीजन की वजह से जाते हैं कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस ठीक नहीं हो जा रहे हैं हमारे जो संतति हैं हमारे डॉक्टरसेस बनने वाले हैं या हमारे जो स्पीज है वो धीरे धीरे कम हो रही है तो उनको किसी विशेष स्पेशल जगह पर या जितने भी वर्ल्ड लाइफ होते हैं वहाँ पर हम लोग उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि वहाँ पर अपने आप को वो

क्लाइमेट्स के वजह जाते हैं कुछ लोग रिपोडक्शन्स की वजह जाते हैं यानी अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स को जैसा उसका नीड होता है वैसे वो माइग्रेट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लगातार करते हैं उसके बाद यहाँ पे कहता है इन फीशेस हम बात करेंगे फीसरी की कि फीशेस में कैसा होता है फीशेस वेरियस टाइप ऑफ माइग्रेटरी मूवमेंट यानी ये जो मछलियाँ होती हैं वो अलग अलग टाइप की माइग्रेटरी मूवमेंट को देखने दिखाती हैं यानी अलग अलग तरीके से एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाते हैं सीओने रेगुलर बेसिस यानी इनमें लगातार देखा जाता है कि ये लगातार पर्टिकुलर टाइम स्केल रिमाइंडिंग यानी कहने का मतलब इनका है कि ये जो मछलियाँ होती हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कहने कह, कह different, different का कह सकते हो डिफ़रेंट डिफरेंट टाइप का यहाँ पे माइग्रेशन मूवमेंट देखने के लिए मिलता है और ये रेगुलर मिलता है ऐसा नहीं कि कभी कभी करती हैं ज़्यादातर तो मछलियाँ हमेशा करती हैं क्यों करती हैं बेटा क्योंकि वो पर्टिकुलर एक टाइम होता है क्या होता है उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है अपने जलवायु के बेसिस पे कि एक पर्टिकुलर टाइम तक हम यहाँ पर रहेंगे उसके बाद पर्टिकुलर टाइम के बाद हम यहाँ को छोड़ के अगले प्लेस को चले जाएँगे ठीक बेटा अब एनुअली वो वार्षिक भी हो सकता है ठीक यहाँ पे और ये लॉन्गर लंबे समय तक हो सकता है ओवरऑल डिस्टेंस ठीक रिमाइनिंग फॉर्म फ्यूमीटर्स टू थाउजेंड मीटर ऑफ किलोमीटर यानी कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी ये जो मछलियाँ होती हैं क्या कभी कभी जो मछलियाँ होती हैं वो डेली मूव करती हैं डेली से एनुअली मतलब एक दिन से लेकर एक साल तक मूव करती हुई दिखाई देंगी और कभी कभी ये काफी लंबे समय तक दिखाई देंगी और जो इनका ओवरऑल डिस्टेंस होता है मूव करने का वो एक मीटर से लेकर यानी कुछ मी मीटर से लेकर वो हजारों किलोमीटर की डिस्टेंस को पार कर देती है मतलब नदियों में रही गंगा की मछली समुद्रों में चली गई समुद्रों के मछली गंगा में आ गए तो इनका मतलब क्या है कि इनमें लगातार माइग्रेशन हो रहा है तो आपसे कभी भी प्यारा सा कोई क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से बता सकते क्या पूछेगा सबसे पहले पूछेगा कि बताओ बेटा कि जो मछलियाँ हैं वो माइग्रेट क्यों कर रही हैं तो आप बता सकते हो कि मछलियाँ माइग्रेट स्पेशली इस इसलिए करती हैं ताकि उनको बेस्ट यानी फेवरेबल क्लाइमेट मिल सके फेवरेबल न्यूट्रेंट मटेरियल मिल सके फेरेबल उनके, उनके हैबिटेट हैं आगे बढ़ती जाती हैं अपने आप को माइग्रेट करती जाती हैं और ये माइग्रेशन कब होता है बेटा कह सकते हो कि माइग्रेशन रेगुलर होता है पर्टिकुलर रेगुलर भी हो सकता है और पर्टिकुलर किसी टाइम में भी हो सकता है माइग्रेशन के लिए कोई भी समय वस्तु निर्धारित नहीं है अब ये पूछा जा सकता है आपसे सिंपल तरीके से कि बताओ बेटा कि माइग्रेशन डेली होता है हाँ कह सकते हो कि डेली भी होता है और वार्षिक भी होता है एक दो दिन के लिए भी हो सकता है जैसे आप अपने बुआ कहाँ गए मौसी कहाँ गए नानी कहाँ गए तो आप अपने अपने जगह से एक दिन के लिए वहां पे गए आप यहाँ से कोटा चले गए पढ़ने तो एक साल के लिए गए तो कहीं ना कहीं अपने घर से माइग्रेट कर रहे हैं किसके वजह से बेहतर शिक्षा की वजह से मामा कहाँ किसी शादी की वजह से पूरी मिलेगा यानी हमको न्यूट्रेंट मटेरियल मिलेगा ठीक ध्यान समझना व्यातक को आगे देखो अब हो सकता है कि कुछ मीटर दूर मेरे मामा और दो तीन किलोमीटर दूर हो और कुछ हो सकता है कि हजारों किलोमीटर हो, ठीक हमको वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक अब कह रहा है कि द माइग्रेटरी बिहेवियर ऑफिस रेगुलर फेनोमिना यानी देखा जाता है कि जो प्रवासन क्या होता है देखा जाता है यहां पे सिंपल तरीके से कि प्रवासी जो व्यवहार है मछलियों के अंदर जो प्रवासी व्यवहार है यह एक सामान्य व्यवहार है जो ज्यादातर मछलियों के अंदर देखने के लिए मिल जाता है कह सकते हो कि ये मछलियों के अंदर क्यों है तो आप कह सकते हो यहाँ पे सिंपल तरीके से कि मुख्य रूप से जो इनके अंदर क्या मेन रूप से इनके अंदर ये प्रोसेस होता रहता है उनके बढ़िया वाला रीजन क्या है फीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ये अपने आप को न्यूट्रिय देने के लिए अपने आप को पोषित करने के लिए और रिपोडक्शंस के लिए ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लगातार वो क्या करते हैं फेवरेबल कंडीशन आने पर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हुए रहते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए अब यहां बोलता है बेटा टाइप ऑफ फिशेस क्या बोल रहा है टाइप ऑफ फिश माइग्रेशन इन बेस्ट नीड यानी नीड के अनुसार रह जब जब जरूरत पड़ेगा उसके बेसिस पे हम लोग देखें तो पहला बोल रहा है एलिमेंट्री और फीडिंग फीडिंग माइग्रेशन माइग्रेशन यानी का मतलब क्या क्या है हम हम लोग लोग भोजन भोजन को भोजन को देख देख के के कैसे आगे बढ़े कैसे बढ़े एलिमेंट्री फीडिंग माइग्रेशन में क्या होगा यहाँ पे कहता है कि माइग्रेशन फॉर द सर्च ऑफ फीडिंग ग्राउंडेड यानी जो मछलियां होंगी वो हमारे पास क्या करेंगे बेटा यहाँ पे फीडिंग ग्राउंड क्या फीडिंग फे, फे, ग्राउंड को कहीं ना कहीं क्या करेंगे पता लगाएंगी कि कौन सा ऐसा समुद्र में नदी में जिस प्लेस पे रह रहे हैं या पोखरे के किसी किनारे पे ठीक जहाँ पे कह सकते हो कि न्यूट्रेशन के लिए बेहतर एरिया देखने के लिए मिलेगा क्या न्यूट्रेशन के लिए एक बेहतर एरिया देखने को मिलेगा मछलियाँ वहाँ पर क्या करेंगी माइग्रेट कर जाएंगी वहाँ के लिए यानी दूसरे जगह पर दूसरे जगह से उस जगह को माइग्रेट करेंगे तो उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्री एंड फेडिंग यहाँ पे माइग्रेशन ठीक और इनका मेन मतलब होता है फूड रिसोर्सेस को पता लगाना किसको फूड रिसोर्सेस को पता लगाना अगला होता है जेनेटिक जेनेटिक की बात करें या स्विंग माइग्रेशन क्या होता है कहता है कि अकश ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन इन द सर्च ऑफ द सुटेबल यानी कहने का मतलब क्या है कि ये आ, जो इस जेनेटिक माइग्रेशन में क्या होता है कि जो मछलियां होती हैं अपने जनन काल में या जनन सीजन में यानी जनरल अब्रीडिंग सीजन के अंदर देखने मिलता है कि वो अपने लिए एक सूटेबल प्लेसेस का कहीं ना कहीं निर्माण करते हुए क्या अपने प्लेसेस का कैसे पता लगाने के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह तक माइग्रेट करती हैं तो आपको ये भी पॉइंट याद होना चाहिए बेटा क्या कि हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास सॉरी गैमेट है गैमेटिक है सॉरी मैं जेनेटिक पढ़ लिया काफी और इसके लिए सॉरी मैं देखा निजान से गैमेटिक की बात कर रहा है कि गैमेटिक एंड हमारे पास क्या है यहाँ पे स्पॉनिंग क्या गैमेटिंग एंड स्पॉनिंग माइग्रेशन के बारे में पढ़ें तो यहाँ पे हमारे पास गैमेटिक एंड स्पॉनिंग माइग्रेशन यही कह रहा है कि जो हमारी मछलियाँ होती हैं कब ब्रीडिंग सीजन के अंदर कब ब्रीडिंग सीजन के सीजन के अंदर तो स्पेशली ये सर्च करती है सुटेबल और यहाँ पे स्पॉनिंग को या स्पोनिंग ग्राउंड को यानी कह सकते हो कि मछलियाँ इस मौसम में या प्रजनन मौसम में क्या प्रजनन मौसम में स्पोनिंग ग्राउंड को सजेस्ट करती हैं ताकि ये अच्छे तरीके से वहाँ पे अपने इक्स को फर्टिलाइज कर सके और अपने आप को बेहतर क्लाइमेक्स दे सके तीसरा क्या होता है बेटा आपसे पूछा जाता है बताओ कि हमारे पास जो क्लाइमेटिक होता है क्या या सीजनल माइग्रेशन होता है वो क्या होता है तो सीजनल माइग्रेशन यानी हमारे पास जो क्लाइमेट्स के कंडीशंस होते हैं फेवरेबल टेम्परेचर होना चाहिए फेवरेबल वाटर में वाटर होना चाहिए फेवरेबल वाटर में ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए ठीक और वहां पे अन्यूट्रेंट मटेरियल होना चाहिए यानी फेवरेबल कंडीशन क्लाइमेट जैसे जैसे बदलेगा मछलियाँ वैसे वैसे माइग्रेट करते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए ठीक बेटा चौथा होता है आसमो रेगुलेटरी माइग्रेशन यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि माइक और यहाँ पे माइग्रेशन फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस फॉर सी टू यानी जो हमारे पास सी वाटर होता है सी टू फ्रेश वाटर यानी कहने का मतलब क्या है आसमो रेगुलेशन के लिए यानी कब इनके अंदर आ, कह सकते हो कि श्वसन कैसे हो रहा है श्वसन के लिए होता है कि आखिरकार वाटर के अंदर हमारे जो सी वाटर उनके अंदर या हमारा जो फेस वाटर उनके अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस कैसा है यानी पानियों के अंदर जो लवड़ की मात्रा है वो कितनी पाई जा रही है ज़्यादा पी 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 एम की कंसेंट्रेशन तो नहीं ना है यहाँ पे सी ओडी और बी ओडी तो बराबर है ना सी ओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बी ओडी मतलब बायोलॉजिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ठीक और वहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो बी बराबर है कि नहीं है मछलियों के जरूरी है कि नहीं अभी न, आपने सुना होगा कि समुद्र में के सॉरी गंगा जी के मछलियाँ गंगा गंगा जी के पानी में इतनी मछलियाँ मर गई उसके मतलब यही हुआ कि वहाँ का सी क्या हुआ हाइपर हो गया हाइयर हो गया और बी कम हो गया यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल्स जो हमारे पर पी में कम होने लगे जिससे हमारे जो और मछलियाँ होती हैं उनके रिस्पायरेशन में काफ़ी कह सकते हो कि अलग अलग वेरिएशन आने लगा वो ठीक तरीके से रिस्पाय रिस्पायरेशन नहीं करने लगे इस वजह से जो मछलियाँ होती हैं वो भी क्या करती हैं अपने आप को माइग्रेट करती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब वही होता है बेटा अपघट की बात कर रहा है जो पानी में घुले हुए हमारे और कह सकते हो सॉल्ट होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है और वाटर को आप जान ही रहे हो दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए यानी जो बीओडी है क्या है जो हमारे पास बी होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो एक आ, सेम होना चाहिए ठीक आगे वो होता है यहाँ पे जेवनील और माइग्रेशन यहाँ पे कह रहा है कि इट इज लार्वा माइग्रेशन फ्रॉम द और ग्राउंड टू द फीडिंग हैबिटेट दे आर प्रेजेंट यानी कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास इस माइग्रेशन uh, में देखने को मिलता है कि जितने भी हमारे लार्वा माइ यहाँ पे लार्वा माइग्रेट करते हैं कहाँ पे जहाँ पे वो पैदा होते हैं वहाँ से और उनके पेरेंट जहाँ तक होते हैं वहाँ पे यानी ये जो आप पहला देखे थे गैमेटिक में क्या होता है कि एक जगह से हमारा जो एक जगह से मछलियाँ दूसरी जगह पर जाती हैं ये क्या होता है ये हमारा पहले से यानी फर्स्ट प्लेस होता है क्या फर्स्ट प्लेस होता है और फर्स्ट प्लेस से जो मछलियाँ होती हैं वो सिकेंड प्लेस पे जाती हैं क्या सिकेंड प्लेस पे जाती हैं तो हम इन्हें क्या बोलते हैं इनको हम लोग इस प्रोसेस को गैमेटिक क्या बोलते हैं गैमेटिक माइग्रेशन बोलते हैं यदि मछलियाँ यही मछलियाँ यहाँ से यहाँ की ओर जाती हैं बेटा तो हम इन्हें यहाँ पे क्या बोलते हैं जबिलीन और माइग्रेशन बोलते हैं यानी पुनः अपने जहाँ पे पैदा होते हैं वहाँ से अपने पुनः पेरेंट्स के प्लेस में चले जाते हैं कहाँ पे अपने पुनः पेरेंट्स के प्लेस में चले जाते हैं ठीक ये चीज़ आप याद देना ठीक यानी पैदा कहीं और होंगे बेटा जहां पैदा होते हैं वहां को छोड़कर जहां उनके पेरेंट्स रहते हैं वो वहां पे चले आते हैं ठीक अगला है क्या है बेटा यहां पे हम लोग को बोल रहा है क्या कह रहा कि मूवमेंट के बेसिस पे देखे कह रहा है मूवमेंट क्या मूवमेंट ऑफ फीसेस ड्यूरिंग द माइग्रेशन यानी जो माइग्रेशन होगा क्या होगा माइग्रेशन होगा तो माइग्रेशन के समय मछलियों के अंदर प्रवाह कैसे होता है कैसे गति करते हैं वो मूव कैसे करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस की ओर इनको थोड़ा देखना होगा पहले यहाँ पे ड्राफ्टिंग के बारे में बात करेंगे किसके बारे में ड्राफ्टिंग के बारे में ड्राफ्टिंग मूवमेंट के बारे में बोलता है कहता है इट इज ए पैसिव मूवमेंट ऑफ द फिशेस एलोंग वाटर करेंट यानी इनको कह सकते हो सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या ये जल धाराओं के साथ मछलिया एक निष्क्रिय गति करती है यानी पानी की धारा जैसे समझना वाटर इधर को जा रहा है क्या वाटर इधर को जा रहा है तो यहां पे हमारी मछलियां पाई जा रही हैं ये भी इसी वाटर के थ्रू चली जाती हैं तो इसी मतलब जिधर वाटर करंट है क्या है सपोज वाटर करंट इधर को है क्या है वाटर करंट इधर को है ये हमारे पास क्या हो गया ये हमारे पास हो गया वहां पे वाटर करेंट हो गया वाटर करंट इधर को जा रहा है ठीक अब उसके बाद ये क्या है हमारी फिशेस हैं क्या है ये हमारा फिश है अब ये क्या कर रहा है ये मूव कर रहा है कहां पे इधर की ओर इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा मूवमेंट बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं हम लोग पैसिव मूवमेंट क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव मूवमेंट एम हा मूवमेंट पैसिव मूवमेंट बोलते हैं यानी जिधर वाटर करंट होगा यदि मछलियां उधर को एकदम आराम से बिना एनर्जी को लॉस किए उधर चले आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं पैसी मूवमेंट बोलते हैं और इन्हें हम ड्रॉ पैसी मूवमेंट होता है इनमें हम इन्हें ड्रॉफ्टिंग मूवमेंट के नाम से जानते हैं तो कभी भी आपसे पूछ सकते हैं कि ड्रॉफ्टिंग मूवमेंट क्या होता है बेटा शॉर्ट फॉर्म में तो आप बता दीजिएगा कि जब मछलियाँ हमारे वाटर करेंट के साथ ही फ्लो करना स्टार्ट कर देती हैं क्या जब मछलियाँ हमारे वाटर करंट के फ्लो के साथ ही मूव करना स्टार्ट कर देती हैं तो उनके अंदर पैसी मूवमेंट होने लगता है बिना एनर्जी को लॉस किए मूवमेंट

यानी इतना बड़ा यदि तालाब है क्या है इतना बड़ा यदि तालाब है यहाँ पे हमारी मछली पाई जा रही है क्या यहाँ पे मछली पाई जा रही है तो रेंडम कैसे रेंडम की बात कर रेंडम जो मछलियां होती हैं वो किसी भी और क्या किसी भी ओर अपने लोकोमोटरी अपने फिन के कारण क्या अपनी लोकोमोटरी अपने फिन के वजह से जो मछलियाँ होती हैं वो कहाँ पे अपने सुरक्षा अपने इच्छा के अनुसार वो इधर उधर इधर उधर कहीं ना कहीं मूव करती हुई दिखाई देती हैं तो कह सकते हो कि मछलियाँ जब एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे अपने इच्छा के अनुसार जैसा उनका मन कर रहा है वैसे एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं डिस्पर्सल मोमेंट के बारे में बोलते हैं और यहाँ पे काम करता हमारा लोकोमोटरी uh, मूवमेंट बोलते हैं इनको क्योंकि वहाँ पे फिन और बाकी चीज़ वहाँ पे काम करता है खासकर ये ऐसे जगह होता है जहाँ पे पानी शांत होता है जैसे तालाब हो गए पोखरे हो गए बड़े बड़े तालाबे हो गए उनके अंदर ये काफ़ी मूवमेंट देखने के लिए मिलता है उसके बाद स्विमिंग मूवमेंट की बात करें क्या बात करें स्विमिंग मूवमेंट की बात करता है इट इज़ द ऑन ओरियंटेटेड मूवमेंट ऑफ द फीशेज अनदर टूवर्ड एंड फ्रॉम दिक्योर्स एन दूमलेस यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कहते हैं इनको तैरान तैराना बोलते हैं क्या बोलते हैं तैरना और गति बोलते हैं यानी तैरना गति में क्या होता है कि यह मछलियों की ओर या दूर की ओर अन्यून गति करते हैं क्या करते है? अन्यून हैं अन्यून गति करते हैं सपोज क्या होता है कि जैसे इतना बड़ा यदि तालाब हो क्या होता है बेटा इतना बड़ा तालाब होता है और इतने बड़े तालाब के अंदर ठीक पे पे हमारे पास क्या हो जाए? मछली है और यहाँ दिया क्या फूड रख दिया फूड रख दिया फॉर्म बोल रहा है एस्टूमुलस फूड है या कह सकते हो और हमारे पास स्टोमस कोई भी ऐसा है जो मछलियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो क्या करते हैं जो मछलियां होती है वो डायरेक्टली इधर को इधर की ओर चली जाती हैं क्या जो अपने प्लेस को छोड़कर डायरेक्टली जहाँ पे फूड पार्टिकल्स होता है उस प्लेस पे चली जाती हैं और इनके हमको क्या ओरिएंटेटेड प्लेस बोलते हैं क्या ओरिएंटेटेड प्लेस बोलते हैं और ओरिएंटेटेड मूवमेंट भी बोलते हैं यहाँ पे जो मूवमेंट होगा हम उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग उन्हें ओरिएंटेटेड क्या बोल देते हैं बेटा ओरिएंटेटेड ओरियंटेटेड मोमेंट बोलते हैं तो आपको ये भी बात क्लियर हो जाना चाहिए बेटा आपसे पूछा जाता है ओरियंटेटेड मोमेंट किसे कहते हैं आप कहिए मछलियों को यानी फिशेस के अंदर जब हमारे पास किसी भी स्टूमुलाइज यानी जितने भी हमारे सोर्स ऑफ स्टूमुलाइज या फूड हो या फिर न्यूट्रिशन हो या फिर कोई आ, मेल एंड फीमेल फिशेस हो उनके चाइल्ड्स हो किसी भी किसी के वजह से भी मछलियों अपने प्लेस को छोड़कर उसकी ओर यदि आकर्षित हो रहे हैं तो वो हमारे पास ऑसिंग मूवमेंट्स होते हैं और इनको ओरिएंटेटेड मूवमेंट इनके बॉडी में देखने के लिए मिल जाता है ये चीज़ आप याद रखिएगा अगला है यहाँ पे डिनाटेड क्या बोलता है डिनाटेड या कंट्रांटेड तो डिनाटेंट एंड कंट्राटेंट मोमेंट क्या है इनके बारे में थोड़ा बात काफी स्पेशल होने वाला है यहाँ पे आप फिगर बनाते जाइएगा जो भी आपको लगेगा ठीक ठाक कहता है इट इज द एक्टिव एक्टिव स्विमिंग मोमेंट्स यानी पे मोमेंट्स देखने मिलता है जिसे हम लोग डिनाटेट मोमेंट कहते हैं क्या बोलते हैं डीना टेट मोमेंट बोलते हैं और ये वाटर करंट के साथ होता है क्या होता है वाटर करंट के साथ स्विमिंग करते हैं ये चीज आप याद रखिएगा और दूसरा यहाँ पे हमारे पास कंट्रा क्या कंट्राक्टिंग मूवमेंट बोलता है कॉन्ट्राक्टिव मूवमेंट में क्या होता है द वाटर करेंट यानी समझना प्यारे बच्चों बढ़िया चीज है यहाँ पे कहता है कि ऐसे मेरे पास एक नदी हो क्या हो ऐसी एक नदी हो नदी के अंदर यहाँ पे हमारी क्या है फीसेस पाई जा रही है क्या यहाँ पे हमारी फीसेस पाई जा रही है अब ध्यान समझना ये फीसेस यदि इधर को मूव कर रही है क्या वाटर करंट किधर है पानी की धारा इधर बह रही है ठीक यानी वाटर यानी कह सकते हो कि ये जो वाटर है वो उधर के जा रहा है ये कौन सा बेटा ये हमारा वाटर है आप इनको कह सकते हो कि ये क्या है वाटर करंट इधर को है ठीक अब जब वाटर करंट इधर को है हमने बोल दिया कि ये क्या है ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हमारा क्या जा रहा है वाटर जा रहा है अब यदि हमारे पास ये जो क्या है ये हमारा फीस है क्या है ये हमारी फीसेस हैं ये हमारी मछली है अब मछली यदि वाटर करंट के साथ फ्लो करेगी क्या करेगी वाटर करंट के साथ फ्लो करेगी हम इन्हें क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं बोलते है, क्या बोलते हैं हैं क्या हम इसको बोल बोल देंगे क्या सिंपल तरीके से नाम बोल रहा है यहाँ पे डिनाटेंट मूवमेंट ठीक ये चीज ध्यान रखना अब यदि यह मछली किधर को मुख कर रही है ये मछली कर रही है इधर के साथ ठीक यानी ये मछली भी किधर जाएगी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगी दूसरे में क्या ना ना। बोलता है यदि मछली हमारा यहां हो क्या हो यदि मछली यहां हो और ये वाटर के विपरीत जाए कहा जा इसमें, इसमें जा साइड पे मछली जा रही थी राइट हैंड साइड पे लेकिन हमारे पास क्या होता है जो हमारे पास कंट्राक्टिंग मूवमेंट हो... क्या होता है कंट्राक्टिव मूवमेंट होता है कंट्राक्टिव मूवमेंट में क्या होता है वाटर करंट जा रहा है लेफ्ट टू राइट और का, ये मछली जो होता है वो जाएगी कहां पे वो जाएगी राइट हैंड साइड से किधर लेफ्ट हैंड साइड यानी जस्ट हमारे पास मोमेंट के अपोजिट साइड में या वाटर करंट के ये क्या है? ये हमारे पास वाटर करंट था वाटर करंट के अपोजिट साइड में जब मूव करेगी तब जाके हमको कहीं ना कहीं हमारे पास कॉन्ट्राक्टिव मोमेंट देखने के लिए

कहता है कि द माइग्रेशन ऑफ सेम फिशेस इज द रेगुलर जनरी यानी इनके लगभग लगभग ये लगातार करने वाले ये प्रोसेस होते हैं एंड ट्रूली एंड इन हमारे पास ये लगातार एक मिनट पानी पी लें अभी कह रहा है कि यहाँ पे हम प्रकार की बात करेंगे तो कुछ मछलियों में जो क्या कुछ मछलियों के अंदर देखा जाता है जो माइग्रेशन होता है वो लगातार नियमित होता है रेगुलेटेड फॉर्म में होता है क्या होता है रेगुलेटेड फॉर्म में होता है और कुछ मछलियों के अंदर ऐसा होता है कि इनके अंदर जेनेटिकली यानी इनके अंदर जन्मजात इनका बिहेवियर होता है जिसके वजह से जो मछलियाँ होती हैं वो अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाती रहती हैं और ये माइग्रेट इसलिए करती हैं ताकि ये अपने जो जक्स होते हैं क्या होते हैं अपने एक होते हैं अपने एक को ठीक तरीके से दूसरे प्लेसेस में ट्रांसफ़र कर सके क्या कर सके अपने ईग को दूसरे प्लेसेस में ट्रांसफ़र प्लेस कर सके और कई मछलियाँ अपने ईग को तो अपने जिस स्थान पे वो रहती हैं उनसे दूर कहीं ना कहीं क्या करती हैं उनसे दूर वहाँ पे देने का काम करती है यानी जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे अंडे नहीं देती वो किसी दूर जाके माइग्रेट होके अंडे देती हैं ठीक उसके वजह से भी यहाँ पे माइग्रेशन देखने के लिए मिलता है तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि हमारे जो फीसिस के अंदर माइग्रेशन हो रहा है वो निश्चित क्रम में होता है कुछ मछलियाँ लगातार करती हैं कुछ मछलियों के अंदर क्या होता है कि उनका उनकी जन्मजात क्या उनकी जन्मजात बिहेवियर होता है उसके वजह से करते हैं वो लोग ये क्यों क्यों करते हैं बेटा ये इसलिए करते हैं ताकि वो जो अंडे देते हैं वो अंडे अपने स्थान से दूर देते हैं ठीक क्या करते हैं वास्त स्थान से दूर देते हैं इसलिए भी माइग्रेट उनको करना पड़ता है तो चलो आप देखते हैं कि माइग्रेशन और क्लासिफाइड इंटू डिफरेंट क्लासेस या कैटेगरीज यानी अलग अलग कैटेगरीज के बारे में किसको अलग अलग कैटेगरीज के बारे में मेरे को माइग्रेशन पढ़ाया जाएगा अब ये माइग्रेशन क्या है कैसे है इनके बारे में क्लियर करेंगे तो हम लोग पहले पॉइंट को देखेंगे डिटेल करके कि आखिरकार पॉइंट में क्या है नंबर फर्स्ट यहाँ पे दो टाइप के माइग्रेशन होते हैं क्या दो टाइप के माइग्रेशन होते हैं पहला बोला है डाई क्या बोलते हैं इनको ड्राई ड्रोमस क्या ड्राई ड्रोमस माइग्रेशन तो ड्राई ड्रोमस माइग्रेशन जो है वो क्या है बेटा कहता है कि इट इज माइग्रेशन टू फिश बिटवीन सी एंड फ्रेश वाटर यानी ये माइग्रेशन कहाँ मिलेगा ये माइग्रेशन एक ऐसा समझो एग्जाम्पल है क्या है एक पोल है और ये भी क्या है एक पोल है क्या एक पोल है अब यहाँ पे ये पोल ए बना रहा है ये पोल बी बना रहा है इस पोल के तरफ देना यहाँ पे जो वाटर है वो कैसा है यहाँ पे जो वाटर है बेटा वो हमारे पास फ्रेश वाटर है क्या है ये हमारे पास फ्रेश वाटर है यहाँ फ्रेश वाटर कह सकते हो और यहाँ पे जो हमारे पास वाटर है वो कैसा है यहाँ पे वाटर है वो हमारे पास सी वाटर है यानी और समुद्रों का पानी है ठीक अब ध्यान से समझना बातें कहाँ से क्लियर होती हैं यदि ये हमारा फ्रेश वाटर है और यहाँ पे हमारा सी वाटर है और इनके बीच जब माइग्रेशन स्टार्ट होता है क्या इनके बीच जब हमारे इनके दोनों के बीच का जब माइग्रेशन स्टार्ट होगा क्या होगा जब माइग्रेशन स्टार्ट होगा तो हम लोग उन्हें क्या बोलते है? हम हैं हम लोग इन्हें बोलते हैं ड्राई ड्रोमस क्या बोलते हैं बेटा इनको बोलते हैं हम सिंपल तरीके से नाम दे दो यहाँ पे सिंपल तरीके से नाम दो इनको बोलो कि ड्राई ड्रोमस ड्राई ड्रोमस माइग्रेशन बोल सकते हो क्लियर हुआ कि पोल पोल ए से पोल बी की तरफ पोल बी से पोल ए की तरफ फ्रेश वाटर से सी वाटर में क्या फ्रेश वाटर से सी वाटर में और सी वाटर से फ्रेश वाटर में ठीक जब मछलियां एक दूसरे को ठीक लगातार क्या करे आवागमन करने लगे तो हम उन्हें क्या बोलते हैं ड्राई ड्रोमस माइग्रेशन क्या बोलते हैं बेटा ड्राई ड्रोमस माइग्रेशन का नाम देते हैं ये चीज आप ध्यान रखिएगा अब ये पूरा का पूरा जो रीजन होता है वो क्यों करते हैं वो क्लाइमेट्स की वजह से करते हैं ठीक और वो परफेक्ट आसमोटिक जो बैलेंस होता है उनके वजह से करते हैं और न्यूट्रेंट मटेरियल के लिए करते हैं और ये माइग्रेशन लगातार होता रहता है यदि हम बात करेंगे यहाँ टाइप ऑफ की तो कह रहा है कि दिस माइग्रेशन इज द टू टाइप हमारे पास टू टाइप का माइग्रेशन होता है ड्राई ड्रोमस माइग्रेशन की बात करें तो ये टू टाइप के माइग्रेशन में देखने के लिए मिल जाएगा पहला होता है एना ड्रोमस माइग्रेशन ये काफी पावरफुल है हम आगे देखेंगे इसके बारे में एना ड्राई एना ड्राई मोस माइग्रेशन दूसरा हमारे पास है यहाँ पे बोलता है यहाँ पे कैटा क्या बोलते हैं बेटा कैटाड्रोमस माइग्रेशन तो हमारे पास एनाड्रोमस माइग्रेशन है ये एनाबोलिक रि, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है कैटाबोलिक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है हम आगे बात करेंगे अभी तो आप ध्यान देखिएगा कि माइग्रेशन मछलियों के अंदर जो डाईड्रोमस माइग्रेशन है उनके अंदर इनका टू टाइप्स होता है पहला होता है एनाड्रोमस माइग्रेशन और दूसरा होता है कैटाड्रोमस माइग्रेशन तो चलो आप प्यारे चलते हैं दोनों को देखते हैं और इन्हीं का ए का कोई पार्ट नहीं होता बी के हमारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं तो हमारे पास ड्राई ड्रोमस माइग्रेशन के क्या पार्ट्स हैं कैसे हैं हम आगे डिटेल करने वाले हैं हमारे पास ये पॉइंट्स दिख रहा है हमको बोलते हैं एना क्या बोलते हैं हम इनको पहला पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं एना ड्राइ हमारे पास क्या है एना ड्रोमस माइग्रेशन ये एना ड्रोमस माइग्रेशन प्यारे बच्चों हेडिंग कर लेना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ठीक कहता है नंबर फर्स्ट नंबर फर्स्ट फर्स्ट कहता है इट इज द माइग्रेशन ऑफ मैराइन फिशेस फ्रॉम द सी टू फ्रेश वाटर ऑफ यानी कहने का मतलब क्या होता है बेटा इस एक्टिविटी में क्या इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारे मैराइन के अंदर क्या जितने भी हमारे मैराइन के अंदर पाए जाने मछलियां होती हैं क्या होती हैं मछलियां होती हैं वो हमारे फ्रेश वाटर की ओर किसको बेटा फ्रेश वाटर की ओर चली आती हैं ये चीज आप याद रखना ठीक तो पहला रीजन है एनाड्रोमस माइग्रेशन में कि हमारे पास जो माइग्रेशन होगा वो फिश जो मैराइन फिश होती है वो हमारे पास कहां पे समुद्र से फ्रेश वाटर की ओर समुद्र से की की ओर करते हुए चली हैं। बात कर रहा है ठीक आगे कह रहा है कि यहाँ पे स्पेंड मोस्ट ऑफ द देयर लाइफ लिविंग फीडिंग इन द सी यानी यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि जो मछलियां होती हैं, वो अपना ज्यादातर समय क्या मछलियां जो होती हैं वो अपना ज्यादातर समय समुद्र में रहने और खाने के लिए व्यतीत करती हैं क्या मछलियाँ ज्यादातर समय अपने समुद्र में रहने और खाने के लिए करती हैं अगला कह रहा है कि दे आर ओनली माइग्रेट ड्यूरिंग बिटवीन यानी ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन क्या ब्रीडिंग सीजन टू द रिवर फॉर ग्राउंड यानी कहने का मतलब कि आप क्या क्या बेटा कह रहा है? कह रहा रहा है है केवल केवल ये तभी माइग्रेट करती हैं जब इनके अंदर ब्रीडिंग सीजन यानी जब उनके व्यवहार में ब्रीडिंग आता है यानी ब्रीडिंग करना होता है जनन करना होता है तभी ये लगातार मूवमेंट करते हैं कहां तक रिवर में मूवमेंट करते नदियों में चलाते हैं और नदियों में वहां जाते हैं जहां पे उन्हें अंडे देने की सबसे फेवरेबल कंडीशन दिखता है क्या फेवरेबल कंडीशन दिखेगा यदि अंडे देने का फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो उनके अंदर कोई भी मूवमेंट या माइग्रेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा ठीक अगला कह रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम बात करें तो यहाँ पे असोलमोन है हिलसा है ठीक लेपरी है अमेरिकन सोल्ड है ऐसे करके ढेर सारी मछलियां हैं जो कहां से वो जहां से मैराइन से मैराइन से कहां फ्रेश वाटर की ओर चली जाती हैं, ठीक ये चीज आप ध्यान दीजिएगा अगला है सेम फिजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस, यानी उनके अंदर आ, अलग अलग फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होता है आपने क्लियर कर लिया होगा ये फ्रेश सी वाटर से मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर को ट्रांसफर करती हैं किस लिए बेटा वो अपने अंडे देने के लिए दूसरा क्या इनका ज्यादातर समय कहां भी जाता है समुद्रों में रहने और खाने में भी जाता है तीसरा तीसरा लाइन कह रहा है कि ये कब माइग्रेट करते हैं केवल ब्रीडिंग सीजन में ही ये माइग्रेट करते हैं किसके लिए शॉपनिंग ग्राउंड के लिए, लिए। ठीक इसमें एग्जाम्पल मैंने दे रखा है ये सलमान की बात कर रहा है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आगे यहाँ पे देखो सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस इनमें क्या क्या बदलाव होते हैं उनके बारे में बात करें तो बदलाव के लिए यहां पे देखा जाता है क्या बदलाव के लिए यहाँ देखा जाता है कि हमारे पास बदलाव कह रहा है यात्रा के दौरान भोजन करना बंद कर देती हैं क्या कह रहा है स्टॉप फेडिंग ड्यूरिंग द जर्नी यानी जब यात्रा करती हैं तब हमारे पास ये भोजन करना बंद कर देती हैं अगला चेंज कलर फ्रॉम सिल्वर टू डल रेडिश ब्राउन यानी ये क्या करते हैं बेटा इनके अंदर इनके बॉडी का चेंज भी इनके बॉडी का कलर जो होता है वो भी क्या होता है बदल जाता है ये सिल्वर से देखो यहाँ पे दिख रहा है ना ये सिल्वर से कैसे बदल जाते हैं ये रेड में चले जाते हैं कैसे रेड में चले जाते हैं ठीक ये चीज आप याद रखिएगा कलर भी धीरे धीरे क्या होता है बदल जाता है ठीक ये चीज आप याद रखिएगा अगला कह रहा है कि गोनाड मेच्योर जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो मेच्योर जाते हैं अगला कह रहा है दे आर दे सेलेक्ट क्या सेलेक्ट एंड सुबल ग्राउंड अपने आप के लिए यानि अपने बच्चों के लिए क्या अपने बच्चों के लिए शॉपनिंग क्या यहाँ पे शॉपिंग की बात करता है शॉपिंग ग्राउंड का चयन करती हैं ताकि वो ऐसे घोसले का तलाश करती है जहाँ पे अपने आप को सही तरीके से सुरक्षित अंडे दे सके यानी जो हमारे मेल फीमेल फीमेल होती हैं वो अंडे दे सके और उसके ऊपर जो हमारा मेल होता है वो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्लेमेट का सिक्रेशन करता है क्या करता है स्लेमेट का सिक्रेशन करता है ताकि जो अंडे हैं वहां पे वो अच्छे तरीके से बच सके ठीक तो ये होता हमारे पास यहाँ पे एनाड्रोमस और माइग्रेशन के बारे में बातचीत कर रहा है ठीक है प्यारे आप इसको स्क्रीन शॉट करना होगा तो कर लीजिएगा आगे है यहाँ पे कैटाड्रोमस माइग्रेशन आखिरकार ये कैटाड्रोमस माइग्रेशन क्या है इनके बारे में बात करें कहता है इट इज द माइग्रेशन टू फिश यानी फ्रेश वाटर फिशेस फ्रॉम द रिवर टू सी ड्यूरिंग द रोडिंग सीजन फॉरेस्ट पॉइंट। यानी कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि जस्ट अपोजिट होता है यानी मछलियां फ्रेश वाटर कैसे मछ बेटा मछलियाँ जो होती हैं वो हमारे फ्रेश वाटर से किधर जो हमारा सी वाटर होता है उधर की ओर ट्रांसफ़र होती है इसके पहले सी वाटर से फ्रेश वाटर की ओर ट्रांसफ़र होती थी लेकिन कैटा क्या बोल रहा है यहाँ पे कैटा ड्रोमस में जो मछलियाँ होती हैं वो फ्रेश वाटर से सी वाटर की ओर क्या होती है ट्रांसफ़र होती है इनमें इल्स सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हो क्या इल्स का सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो बाकी यहाँ पे कोई अच्छा वाला रीजन नहीं है हम देख लेते हैं क्या होता है ठीक कह रहा है कि जितने भी हमारे यूरोपियन क्या यूरोपियन इल होते हैं क्या होते हैं यूरोपियन इल होते हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग प्लेसेस की बात करें चाहे अमेरिकन की अमेरिकन रिवर की बात करें चाहे हम लोग बरमोडा रिजन की बात करें वहाँ पे लगातार ये एशियन ओसान की बात करें तो वो वहाँ पे लगभग लगभग कहीं ना कहीं मूव करते हुए दिखाई देते हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दिखाई देते हैं ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा ठीक आगे बोल रहे हैं कि अगला नंबर इसके बात करें इनके बॉडी में चेंज क्या होता है बिफोर द ड्यूरिंग माइग्रेशन सेम फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर देयर बॉडीज यानी इनके बॉडी में चेंजेस क्या होगा कह रहा है कि यहाँ पे स्पॉट uh, क्या स्पॉट लार्ज अमाउंट ऑफ फैट इन देयर बॉडीज फिट सर्वाइव ऑन द रीजन ऑफ फूड ड्यूरिंग द जर्नी कहने का मतलब क्या है? क्या है? है कह रहा प्रवास से पहले, क्या? प्रवास से से पहले पहले उनके दौरान वो शरीर में कुछ अलग बदलाव होते हैं ठीक नंबर फर्स्ट क्या होता है बेटा कहता है कि उनके बॉडी या उनके शरीर की या उनके शरीर में बड़ी मात्रा में फैट जमा हो जाता है क्या उनके बॉडी में बड़ी मात्रा में फैट जमा हो जाता है ठीक डिपॉजिट हो जाता है वही बोला डिपोजिट डिपोज हो जाता है उनके बॉडी में लार्ज मात्रा में जो होता है वो फैट धीरे धीरे जम जाता है जमने के बाद क्यों जमता है बेटा ताकि वो जब हमारे पास वो आ, यात्रा कर रही हैं तो उनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या रिजर्व फूड मटेरियल रह सके यानी कह सकते हो वहाँ पे क्या था वो भोजन करना बंद कर देती है लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे क्या होता है कि भो ये यात्रा कहने करने से पहले ही अपने बॉडी में ढेर सारे फैटी मटेरियल का स्टोरेज कर लेती हैं ताकि अच्छे तरीके से वो यात्रा कर सके और यात्रा करते समय उनके बॉडी में कहीं ना कहीं रिजर्व फूड मटेरियल का होना जरूरी है आगे कह रहा है कि इनके अंदर कलर चेंजेस फ्रॉम एलो टू ए मेटलिक सिल्वर ग्ले ग्रे यानी इनका जो कलर होता है वो एलो से कहा से आता है मेटलिक सिल्वर यानी सिल्वर में बदल जाता है यानी वहां से क्या था सिल्वर से रेड में बदल जाता था लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे पीले से वो सिल्वर में बदल जाएगा ये चीज आप याद रखिएगा ठीक अगला क्या है यहाँ पे बोल रहा है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक होगा उनका क्या होगा उनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है डाइजेस्टिव का मतलब समझ रहे ना पाचन तंत्र होता है वो सिकुड़ जाता है क्या होता है सिकुड़ जाता है क्योंकि ये खाना खाना बंद कर देते हैं स्टॉप फीडिंग खाना खाना बंद कर देते हैं नहीं भोजन लेना बंद करते कर देते वजह से उनकी बॉडी क्या होती है स्टिक हो जाती है कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ भैया ऐसा कौन सा माइग्रेशन होता है या ऐसे किस टाइप के माइग्रेशन में मछलियों की एलिमेंट्री कैनाल की साइज घटने लगती है तो आप बताएंगे कि जो हमारे पास टा ड्रोमस माइग्रेशन होता है उसके अंदर फीडिंग स्टॉप होने की वजह से उनकी जो पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक होती है वो सुकुड़ के पतले हो जाती है ठीक है बेटा आगे कह रहा है कि यहाँ पे आयस की बात करें उनकी आंखों की बात करते हैं उनके जो आंखों के कलर होते हैं क्या होते हैं उनके जो आंखों के कलर होते हैं उनकी बात करें या फिर आंखों की बात कर ले पहले आंखों जो आयस होती हैं पहले से क्योंकि फ्रेश वाटर में होती हैं छोटी आंखें होती हैं और जैसे जैसे वो सॉल्टी वाटर में जाती हैं हैं वैसे वैसे उनकी आंखें बड़ी होने लगती हैं। क्या होती है बेटा आंखें बड़ी हो जाती हैं और उनके देखने की क्षमता क्या होती है बढ़ जाती है क्या होती है देखने की क्षमता बढ़ जाती है और जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं उनके बॉडी में जो जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं उनकी सेंसिटिव कैरेक्टर बढ़ जाती है ये चीज आप याद रखिएगा ठीक आगे कह रहा है स्किन और सर रिस्परेटरी ऑर्गन यानी जो स्किन इसकी, स्किन होता है वो कहीं ना कहीं हमारे पास रिस्परेटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है जो गुनाड होता है वो मिच्योर हो जाता है यानी जनन अंग पूरी तरीके से मिच्योर हो जाएंगे और इनके अंदर एक सोपनिंग ग्राउंड के फॉर्म में ये काफ़ी सुटेबल हो जाते हैं और लगभग लगभग फर्टिलाइज बाय मेल यानी यहाँ पे मेल के द्वारा ये फर्टिलाइज होंगे कहाँ पे जहाँ पे अपने घोसला बनाते हैं रहने के लिए ये चीज आप क्लियर करिएगा ठीक और आगे लगभग लगभग जब ये मेरा के अंदर एडल्ट हो जाते हैं अच्छे तरीके से एडल्ट हो जाते हैं तब तो ये अच्छे तरीके से एडल्ट होने के बाद ये वापस रिवर में चले जाते हैं क्या वापस पहले से जो उनका वास स्थान होता है वो वहाँ पे अच्छे तरीके से चले जाते हैं बाकी कोई ये हमारा इनका लाइफ साइकिल है टाइटा का आप इनको देख लीजिएगा कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं बाकी ये उनके पार्ट से बेटा स्क्रीन कर लो कोई ये जरूरी नहीं है मैंने इसको बता दिया पहले ही पॉइंट में कि माइग्रेशन कब करते हैं कैसे करते हैं आप इनको दे सकते हो ठीक ये उनका बाकी अलग अलग लॉन्गिटूनल माइग्रेशन है वर्टिकल माइग्रेशन है इनमें कुछ है नहीं जो आपको बताया जा सके सिग्निफिकेंस ऑफ माइग्रेशन है फूड सर्चिंग के लिए प्रोटेक्शन के लिए ठीक क्लाइमेट कंडीशन के लिए इंक्रीज जेनेटिक डेंसिटी के लिए और यहाँ पे एडॉपशनल कैरेक्टर्स के लिए भी ये लगातार अपने बॉडी को चेंज करते रहते हैं ठीक है बेटा तो ये शॉर्ट क्लास रहा आपके लिए कैसा लगा जरूर बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय 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 बेटा एंड जय हिंद